This is part 4 of the vocabulary session of the Hindu and Economic Times newspaper. Okay, so let's begin. First of all, congratulations to Anamika Chauhan and Satyan Srivastava to participate in our daily contest and making very valuable tricks for our previous vocab session. Okay, so very congratulations to both of you. So the first word is flurry. Flurry ka English mean hota hai a sudden short period of activity or excitement. Matlab थोड़े से पीरियड के लिए जो एक्टिविटी और एक्साइटमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्लरी। ठीक है, इसके हिंदी मीन होते हैं घबराहट, हड़बड़ी, उत्तेजना, हवा का झोंका। क्योंकि हवा का झोंका बहुत ही कम पीरियड के लिए आता है ना, इसलिए बोलते हैं फ्लरी। ठीक है, तो फ्लरी का एक मीन हवा का झोंका भी होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो है बीविल्डरमेंट, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ फ्लरी वर्ड। ठीक है, प्रोवोकेशन। ठीक है, प्रोवोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ फ्लरी वर्ड। एंटोनिम्स होते हैं कंफर्ट, काम, पीस। ठीक है, पीस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम ऑफ फ्लरी वर्ड। देखो, एग्जाम में दो तरह की चीजें होती है, या तो आपको वोकैब वर्ड बहुत ही टफ दे देंगे और एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही रिलेवेंट होंगे, मतलब बहुत ही सिंपल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीस लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन फ्लरी आपको रिकोगनाइज करना, अगर आपको फ्लरी का मीन नहीं पता तो ये आपको रिकोगनाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है किसका, फ्लरी का। ठीक है, एग्जांपल है पीएम मोदी सी पॉज फॉर अ ब्रीफ फ्लरी ऑफ क्लैपिंग। ठीक है, तालियों के बीच थोड़े से पीरियड के लिए तालियों के बीच पीएम मोदी जी क्या हो गए, रुक गए। ठीक है, ट्रिक है इसको याद करने की, हरी में लोग फ्लरी हो जाते हैं। हरी एंड फ्लरी आर बोथ राइम्स। ठीक है, तो देखो हरी मतलब जल्दबाजी में, ठीक है ना, यही तो होता है ना इसका मतलब, हड़बड़ी में। तो हरी में लोग फ्लरी हो जाते हैं। ठीक है, तो हरी मतलब जल्दबाजी में लोग क्या हो जाते हैं, फ्लरी हो जाते हैं। तो हरी एंड फ्लरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज आउटराइट। आउटराइट का हिंदी मीन होता है संपूर्ण, स्पष्ट। आउटराइट को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक एज एन एडवर्ब और एक एज एन एडजेक्टिव। जब हम एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो आउटराइट का मतलब होता है टोटली या फिर ऑब्वियस। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, मैं तो ये बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, मतलब टोटली सहमत हूँ। ठीक है, और मैं स्पष्ट है, इसका एज एडवर्ब की तरह संपूर्ण या स्पष्ट। ठीक है, जब एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम एग्जेक्टिव की तरह जब यूज करते हैं तो इसका मीन होता है डायरेक्ट। ठीक है, इंग्लिश मीन होता है होली एंड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। ठीक है, सिनोनिम्स आर टोटली, एब्सोल्यूट, ऑब्वियस, क्लियर कट, डायरेक्ट। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो होता है ऑब्वियस। ठीक है, तो आउटराइट का सिनोनिम्स क्या होते हैं, टोटली, एब्सोल्यूट, ऑब्वियस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम एक ही है इसका, पार्शियली। पार्शियली हम कह सकते हैं क्योंकि, ठीक है, एग्जांपल है कंपनी रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइट। कंपनी ने जो प्रपोजल था वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी रिजेक्टेड द प्रपोजल आउटराइट, मतलब पूरी तरह से कंपनी ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ट्रिक इसकी होती है कुछ एम्पायर का दिया हुआ आउट टोटली राइट होता है। ठीक है, तो देखो आउट राइट, आउट राइट, तो कुछ एम्पायर का दिया हुआ आउट टोटली राइट होता है। तो आउट राइट का मीन क्या होता है, टोटली। ठीक है, तो आउट राइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रैम्पेंट। रैम्पेंट एसएससी सीजन में पूछा गया कुछ वोकैब है। ठीक है, ये रैम्पेंट को हम एग्जैक्टिव की तरह यूज करते हैं। वैसे मैं अब एसएससी सीजन की वोकैब बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ। ठीक है, वो उसमें मैं कम से कम 150-200 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, तो वो वोकैब आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो रैम्पेंट का हिंदी मीन होता है अनियंत्रित। ठीक है, इसका इंग्लिश मीन होता है स्पेशली ऑफ समथिंग अनवेलकम। सिनोनिम्स आर अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड, अनचेक्ड, अनब्रिडल्ड, पैंडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसका जो है वो है पैंडेमिक, और एक और है वो है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो रैम्पेंट का, क्योंकि अनकंट्रोल्ड से काफी लोगों को पता है अनकंट्रोल, तो पैंडेमिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसका बचता है। ठीक है, तो पैंडेमिक इज एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ रैम्पेंट वर्ड। ओके, एंटोनिम इसका अनकंट्रोल्ड होता है। ओके, एग्जांपल है सैडली द इंटरनेट हैज मेड इट इजियर फॉर रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। बहुत ही दुख की बात है कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है उसको एक बड़े पैमाने पे स्प्रेड करना आसान बना दिया है इंटरनेट ने। ठीक है, क्योंकि अभी आपने फेसबुक का भी इशू सुना होगा। ठीक है, तो ये वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फोबो। फोबो को एज अ नाउन यूज करते हैं। फोबो का हिंदी मीन होता है उत्साह या जोश। ये बहुत ही हाईली पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देखो वोकैब वर्ड क्या होते हैं, दो तरह से यूज होते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, उत्साह एक पॉजिटिविटी में आता है और एक उत्साह निगेटिव वाला भी होता है। ठीक है, इंग्लिश मीन होता है इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा जोश। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग।
Synonyms are enthusiasm, prompting, euphoria, rapture. Important synonyms are enthusiasm and prompting. Prompting is a very important synonym word of for FOGO. ठीक है. Synonym क्या है? Prompting, enthusiasm, euphoria, rapture. ठीक है. Antonyms are indifference, apathy, insincerity, lethargy, unimportance. Lethargy and apathy are important antonym word of FOGO. ठीक है. Apathy and lethargy. ठीक है. Example है. Sorry. Example is the woman's spiritual forebode led her to leave her husband and become a nun. Nun बोलते हैं जब किस nun बोलते हैं तपस्वी लोगों को, ठीक है, जो योगी लोग होते हैं उनको बोलते हैं nun, ठीक है. तो जो woman का जो आध्यात्मिक उत्साह था, ठीक है ना, उसने उसको प्रेरित किया अपने husband को छोड़ने के लिए और तपस्वी बनने के लिए उसको प्रेरित किया, ठीक है. तो वुमेन का जो आध्यात्मिक उत्साह था उसने उसके हस्बैंड को छोड़ने और योगी बनने में प्रेरित किया, ठीक है. इसकी ट्रिक है, बैंक में सर्वर आते ही लोग फर्वर हो गए. मतलब बैंक में सर्वर एंड फर्वर आर बोथ राइम्स, ठीक है. तो बैंक में सर्वर आते ही लोग फर्वर हो गए, मतलब लोग क्या हो गए, खुश हो गए, लोग बहुत ही उत्साह में आ गए, ठीक है. तो बैंक में सर्वर आते ही लोग फर्वर हो गए, ठीक है. सर्वर फर्वो मतलब सर्वर जैसी आया तो लोगों में क्या आ गया, उत्साह आ गया, जोश आ गया, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इंटरल्यूड. इंटरल्यूड बहुत ही सिंपल वर्ड है. इंटरल्यूड को आप इंटरमिशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. इन गैप बोलते हैं इसको, जब आप मूवीज देखने जाते हैं तो बीच में इंटरवल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड, ठीक है, कोई गैप होता है. इंटरल्यूड का एक और वर्ड होता है, एक और मीनिंग होता है, वो होता है म्यूजिक से, ठीक है. तो इंटरल्यूड को अगर सिनोनिम अगर पूछा जाए, अगर इंटरल्यूड के सिनोनिम्स लिखे हो, म्यूजिक लिखा हो या म्यूजिकल लिखा हो, तो आप वहां पे म्यूजिकल पे ही टिक करना, ठीक है. तो इंटरल्यूड के दो दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है गैप, एक होता है आपका म्यूजिकल, ठीक है. तो इंटरवल, गैप या म्यूजिकल, ओके. एंटोनिम्स होते हैं कॉन्टिन्यूशन, स्टार्ट. एंड एग्जाम्पल है, वी एक्साइटेड द थिएटर ड्यूरिंग द वी एग्जिटेड द थिएटर ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटरल्यूड टू परचेज समथिंग टू ईट, ठीक है. मतलब हम थिएटर से बाहर आ गए थोड़े से पीरियड के लिए, जब इंटरवल हुआ था कुछ खाने के सामान खरीदने के लिए, ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है. इंटरल्यूड मींस होता है गैप, ठीक है, कोई इंटरवल. नेक्स्ट वर्ड इज पीव. पीव एसएससी सीजन में पूछा गया वो गैप है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ये मैं हिंदू के ही गैप डिस्कस कर रहा हूँ, जो एसएससी सीजन में आस्क हुए हैं, जो वो मैं उसे लिख दिया उसके आगे कि एसएससी सीजन में भी ये वो गैप आस्क हुए हैं, ठीक है. तो देखो, पीव का हिंदी मीन होता है झुंझलाहट या फिर गुस्सा, मतलब एंगर. पीव को हम दो तरह से यूज करते हैं, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, ठीक है. एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब हम दो तरह से पीव का यूज करते हैं. तो एज अ नाउन जब यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि झुंझलाहट, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा आना, ठीक है, झुंझलाहट होना, ठीक है. तो पीव को नाउन की तरह यूज करते हैं तो झुंझलाहट होना, गुस्सा होना, ठीक है. वर्ब की तरह भी यूज करते हैं तो किसी गुस्सा, मतलब किसी ने आपको क्रोधित करा, ठीक है, तो क्रोधित करना, अपमान करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एज अ वर्ब जब हम यूज करते हैं, तो अपमान करना है, क्रोधित करना, ठीक है. सिनोनिम्स होते हैं एंगर, फ्यूरियोसिटी. फ्यूरियोसिटी आस्क हुआ था एसएससी सीजन में, तो फ्यूरियोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड ऑफ फॉर पीव एंड डिसऑनर आल्सो, ओके. सो फ्यूरियोसिटी सिनोनिम है किसका, पीव का, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा दिलाना या फिर गुस्सा होना, ठीक है. एंटोनिम्स है प्लेजर, लव, मोलीफाई. मोलीफाई मतलब होता है शांति बनाए रखना, ठीक है, शांत करना किसी चीज को, ठीक है, तो मोलीफाई बोलते हैं उसको, ठीक है. तो मोलीफाई इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एंटोनिम वर्ड फॉर पीव, ओके. एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज पीव्ड एट बींग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीटिंग. मीटिंग से बाहर निकाल जाने के कारण वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, ओके. ट्रिक है इसकी, हर जीव को पीव आता है, ठीक है. जीव एंड पीव आर बोथ राइम्स. तो देखो, पीव यानी जीव, ठीक है. जीव हम बोलते हैं किसी भी लिविंग पर्सन, कोई भी लिविंग चीज होती है उसको बोलते हैं जीव, ठीक है ना. तो जीव और पीव, यानी हर जीव को पीव आता है, यानी हर जीव को गुस्सा आता है, ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट. इनकम्बेंट को हम एग्जेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और इनकम्बेंट को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है. इसका हिंदी मीन होता है अनिवार्य, मैंडेटरी कोई चीज होती है, मतलब ये करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, ठीक है. इंग्लिश मीन होता है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. मतलब जब हम एग्जेक्टिव की तरह इसका यूज करते हैं, मतलब एग्जेक्टिव की तरह जब हम इसका यूज करते हैं तो ये होता है कि मतलब किसी ड्यूटी के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूरी होना, ठीक है.
और जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो द होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट, मतलब किसी भी ऑफिस या पोस्ट का जो धारक होता है, जो होल्डर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, एज अ नाउन जब यूज करते हैं। तो सिनोनिम्स आर मैंडेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, होल्डर। होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इनकम्बेंट का, क्योंकि आप इनकम्बेंट को मैंडेटरी से तो आप इसको जान सकते हैं। अगर एग्जाम में इनकम्बेंट का अगर सिनोनिम पूछा जाएगा तो आपको पता है कि मैंडेटरी होता है, पर अगर आपको होल्डर नहीं पता है तो आप वहां पे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए एज अ नाउन इसका मतलब होल्डर भी होता है, ठीक है। तो इनकम्बेंट का सिनोनिम क्या है? होल्डर, ठीक है। एंटोनिम्स आर ऑप्शनल, अननेसेसरी, ठीक है, कोई भी अननेसेसरी चीज होती है तो अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है, तो एंटोनिम्स हो गया उसका, ठीक है। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वॉज इनकम्बेंट ऑन दैट प्रपोजल टू एक्ट। गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि उस प्रपोजल पे एक्ट करना, उस प्रपोजल पे वर्क करना जरूरी था, ठीक है। तो इट वॉज इनकम्बेंट, तो यहाँ पे जो इनकम्बेंट है वो एग्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है ना, ठीक है। चलो ट्रिक देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स को हर मंथ का एंड में इनकम देना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए इनकम यहाँ पे लिखा हुआ इनकम्बेंट, ठीक है, तो इनकम यानी इनकम, यहां से ही आपको पता चल रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनकम। तो यानी इनकम जरूरी होता है, तो यानी इनकम अनिवार्य होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज को हर मंथ के एंड में इनकम देना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैबल। स्क्वैबल को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, इसका इंग्लिश मीन होता है टू एंगेज इन अ बैड टेम्पर्ड आर्गुमेंट। बैड टेम्पर्ड आर्गुमेंट मीन्स एंगर, मतलब किसी चीज का फाइट होना, लड़ाई झगड़ा होना, उसको बोलते हैं। ऑफन ओवर ट्रिवियल मैटर, वो भी मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़ा होना उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वैबल। स्क्वैबल का सिनोनिम्स है फाइट और डिस्प्यूट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम, लेकिन इसके एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एंटोनिम्स है एकॉर्ड और हारमनी, ठीक है। हारमनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम फॉर स्क्वैबल वर्ड, ओके। एग्जाम्पल होते हैं द बॉयज वर स्क्वैबलिंग ओवर अ बॉल, ठीक है, मतलब बॉल के ऊपर जो बॉयज थे वो लड़ने लगे, ठीक है। तो मतलब बॉल एक बहुत ही छोटी सी चीज है, उसके पीछे जो लड़के थे वो लड़ने लगे आपस में, ठीक है। तो ये होता है इसका मैटर। स्क्वैबल मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। ट्रिक है इसकी, स्क्यू सोसाइटी के लोग लड़ने में अब्बल होते हैं, ठीक है। स्क्यू सोसाइटी के लोग लड़ने में अब्बल होते हैं, लड़ने मतलब फाइट में, ठीक है, फाइट में अब्बल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वाइबल। वाइबल का इंग्लिश मीन होता है कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। इसको हम एज एन एग्जेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, मतलब आपके लिए बहुत ही फिजिबल कंडीशन होना, बहुत ही प्रैक्टिकल कंडीशन होना, जहां पे आप आसानी से काम कर सकते हैं, बोलते हैं ना वाइबल कंडीशन है हमारे लिए, यहाँ पे काम करना एक वाइबल कंडीशन है, ठीक है, मतलब एक फिजिबल कंडीशन है, ठीक है। एंटोनिम्स होते हैं इम्पॉसिबल एंड अनलाइकली। इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है फिजिबल, ठीक है। फिजिबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वाइबल वर्ड का, ओके। एंटोनिम्स है तो अनलाइकली, अनलाइकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है वाइबल वर्ड का, ओके। एग्जाम्पल है If the project is not viable, there is no reason for us to consider it. अगर project practically नहीं है तो उसको consider करने का कोई reason नहीं बनता, ठीक है। ट्रिक है इसकी, survival वही हो पाता है जहां viable condition होती है। तो viable and survival are both rhymes, okay? तो देखो survival, viable and survival, ठीक है। तो survival मतलब क्या होता है? तो survival वही हो पाता है जहां viable condition होती है, जहां पे practical condition, जहां पे feasible conditions होती है, ठीक है। तो वहीं पे तो सरवाइव कर पाते हैं इंसान, ठीक है। तो इसलिए ये इसका वर्ड होता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। और एक और बात, अगर आपको किसी भी चैप्टर में एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी वीडियो के कॉमेंट में हम मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप करना ना भूलेगा। आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारी कैप में जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही हमें कम टाइम होता है बनाने के लिए, पर हम तब भी बनाते हैं, तो अगर आप किसी वर्ड की अच्छी ट्रिक बता सकें तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। आपका सजेशन वेलकम है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। Next video I will upload on general awareness. Okay, week 2. For week 2 I will upload.